हेलो माय फूडीज फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ देसी चाउमीन की रेसिपी जो कि मैंने बिना सॉस की बनाई है। तो चलिए आज रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पानी बॉईल कर लिया है, इसमें मैंने एक चम्मच ऑयल ऐड किया है और अब मैं यहाँ पर नॉर्मल चाउमीन ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो देसी नूडल्स या फिर हक्का नूडल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमने चाउमीन को बॉईल करने के लिए रख दिया, सिर्फ ज़्यादा हमें इसे बॉईल नहीं करना है। एक से दो बॉईल आते वक्त हमें इसे चेक कर लेना है और मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि हमारे जो चाउमीन है इसमें भी नमक ऐड हो जाए। अब मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ और ये देखिए बहुत अच्छे से ये टूट रहे हैं, दैट मीन्स ये रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और मैंने यहाँ पर ठंडा पानी यूज़ करके इसे ठंडा कर लिया है और अब इसे अलग करके मैं हल्का हल्का सा ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे तरीके से हटा रही हूँ ताकि ये जो हमारी चाउमीन है बिल्कुल स्टिकी ना हो, बिल्कुल खिली खिली चाउमीन बन करके रेडी हो जाए। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऑयल कर ऐड करके हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारी चाउमीन कितनी खिली खिली लग रही है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा फ्रेंड, आपकी चाउमीन बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हमने लिया है यहाँ पर एक गर्म पैन, पैन जैसे ही गर्म हो जाएगा हम यहाँ पर ऐड करें हैं 2 चम्मच ऑयल। आप यहाँ पर सरसों तेल का भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मैंने रिफाइन ऑयल यूज़ किया है। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 5 से 6 लहसुन की कलियाँ जिसे मैंने बारीक कट कर ली है। बिल्कुल एक सिर्फ हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड की है, आप चाहो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसे सॉटे कर लेंगे। तो देखिए जो लहसुन और हरी मिर्च है वो सॉटे हो जाने के बाद बिल्कुल बारीक कटा हुआ गाजर, तो एक शिमला मिर्च जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था और 2 प्याज ऐड करेंगे, इसे भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। आप चाहो तो इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो जैसे कि कॉर्न, पत्ता गोभी, बहुत कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हो। मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने इसे ही ऐड कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे फ्रेंड। हम इसे बिल्कुल भी ढकेंगे नहीं और बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हम इसे बिल्कुल थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसका क्रंची फ्लेवर हमारे पास रहे। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही थी थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे ताकि नमक जो है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी। हम यहाँ पर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे सॉस, बिना सॉस के आज हम बना रहे हैं ये चाउमीन को और ये बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए 3 से 4 मिनट तक ये बिल्कुल सॉगी सी होने लग रही है, तो अब हम इसे और ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं 2 चम्मच वेनेगर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर नींबू का भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर एक पूरा टेस्ट मेकर का पैकेट ऐड कर रही हूँ, इससे क्या होगा आपका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड, इसलिए ये टेस्ट मेकर ज़रूर यूज़ करें। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब सब कुछ हो चुका है तो चलिए हम अपने नूडल्स को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर चाउमीन को ऐड कर लिया और आप देख रहे हो हमारी चाउमीन बहुत ज़्यादा खिली खिली बन करके रेडी हुई है। तो सारे के सारे जो चाउमीन हमने यहाँ पर बना के रखे थे वो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप चाहो तो स्पैचुला की सहायता से मिक्स करो या फिर जा करके आप 2 चम्मच लेकर के भी मिक्स कर सकते हो अगर आपको इस तरीके से मिक्स नहीं हो पा रहा है तो। और ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स भी हो चुका है और चाउमीन का कलर फ्लेवर बहुत अच्छा है फ्रेंड। ये खाने में भी यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, कोई बता नहीं सकेगा कि हमने इसे बिना सॉस के बनाया है, बहुत ज़्यादा यमी टेस्टी लग रही थी। अब मैं यहाँ पर ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर लूँगी, आप यहाँ पर चाहो तो स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर सकते हो। और मैं यहाँ पर कुछ प्याज के टुकड़े ऐड कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आते हैं, बहुत क्रंचीनेस लगता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं इसी तरह की प्यारी प्यारी रेसिपी लेके आती रहती हूँ फ्रेंड, तो मुझे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे बगल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो देखिए इस प्यारी सी रेसिपी को एंजॉय कीजिए, मैं भी इसे एंजॉय कर रही हूँ और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।